जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन भक्ति काल से संबंधित। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो आ जाइए जल्दी से, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं अपने, स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आज का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया है कृष्ण के साथ राधा की महान्यता किस संप्रदाय की विशेषता है। ये आपके लिए यहाँ पर चयन करना है, किस संप्रदाय की विशेषता है ये बताना है आपके लिए। श्री संप्रदाय, सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय। तो क्वेश्चन नंबर 71 का आपका जो सही आंसर होगा वह आपका राइट आंसर सनक संप्रदाय राइट आंसर यहां पर है। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 72 पूछा है कि रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है। तो रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को, जो श्री संप्रदाय है इसको व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको है? नामदेव को, रामानंद जी को, ज्ञानदेव जी को या कबीर दास जी को? तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है भाई क्या होगा राइट आंसर, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पर जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर क्या सही आंसर, तो 72 का आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प नंबर सी यानी कि रामानंद को। रामानंद आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन का चयन करना है यहाँ पर, असत्य कथन का चयन कीजिए क्या होगा सही आंसर यहाँ पर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या है इसका सही आंसर बताइए। तो असत्य कथन का चयन करना है और यहाँ पर आपका सही आंसर है 73 का कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा 73 का विकल्प नंबर डी राइट आंसर है, संत तुलसीदास ज्ञानश्री शाखा के कवि हैं। ये कथन कैसा है राहुल राज जी? बिल्कुल सही राइट आंसर है डी कि ये कथन असत्य है। संत तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं, ज्ञानश्री शाखा के नहीं है। ये किसके हैं? राम भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 74 आपसे यहाँ पर पूछा है भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना किसने माना है बताइए। भक्ति मार्ग में रामानंद ने, रैदास, कबीर या दादू दयाल? तो क्वेश्चन नंबर 74 का आपका जो सही आंसर है भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है, पर एक आपका सही आंसर होगा रामानंद राइट आंसर है, बिल्कुल सही। कबीर का प्राकट्य स्थल है ये आपके लिए बताना है, कौन सा माना जाता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर आप बताइए क्या होगा राइट आंसर। आदर्श जी, निष्ठा जी, सभी लोग आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 75 है, कबीर का प्राकट्य स्थल बताना है कौन सा है। और यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वह है राइट आंसर, बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 75 का लहर तारा। लहर तारा आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। सभी लोगों ने लहर तारा यहाँ पर राइट आंसर बताया है, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं क्या पूछा है कि निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्य में। राहुल राज जी बिल्कुल। तो निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज किस में मिलते हैं ये आपके लिए बताना है। 76वां क्वेश्चन है और आपका सही आंसर है
विकल्प नंबर एक यानी कि सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 77 यहाँ पर पूछा गया है कि वह भक्त जो संत जो कृष्ण का उपासक नहीं थे, कृष्ण के उपासक नहीं थे, कौन नहीं थे बताइए। तो कौन थे वह? क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 77 है और वह भक्त संत बताने आपके लिए जो कृष्ण जी के उपासक नहीं थे। और यहाँ पर 77 का राइट आंसर है रामानंद। बिल्कुल सही आंसर है, ये कृष्ण के उपासक नहीं थे। विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। विकल्प नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 आपसे पूछा है कि सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है। नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, बताइए। सिखों के पांचवें गुरु कौन थे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। गुरु अर्जुन देव जो हैं सिखों के पांचवें गुरु थे और श्री गुरु ग्रंथ साहब इनके द्वारा संपादित एक ग्रंथ है, इसमें किसकी कविता संग्रहित नहीं है। नहीं पूछा है, 78 का राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? अठहत्तर का सही आंसर बताना है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है 78 का। विकल्प नंबर यहाँ पर जो डी है वह राइट आंसर है, तुलसीदास सही आंसर होगा, तुलसीदास राइट आंसर है। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बताइए। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, रंगाचार्य, नाथमुनि, रामानुजाचार्य या पुंडरीकाक्ष। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है और 79 का सही आंसर बताना है क्या होगा सही आंसर बताइए। सभी लोग बताइए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है। तो आपका 79 का सही आंसर बिल्कुल सही, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है, रामानुजाचार्य सही आंसर होगा, रामानुजाचार्य राइट आंसर है। बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। ज्ञानमार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नानक, रैदास, कबीरदास या दादूदयाल। ज्ञानमार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है, क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का सही आंसर आपके लिए यहां पर चयन करना है, 80 का राइट आंसर सही आंसर होगा। 80 का विकल्प नंबर बी सॉरी डी यानी कि कबीर आपका सही आंसर होगा, कबीरदास राइट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर होगा। ज्ञानमार्गी शाखा की एकमात्र एक छत्र सम्राट माने जाते हैं कबीर जी, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका पूछा है 81 कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, वह विशेषता का चयन कीजिए। अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, ईश्वरीय लीला का गायन, अहंकार का त्याग। 81 का सही आंसर का चयन करना है आपके लिए, क्या होगा राइट आंसर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 81 का कि समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है, राइट आंसर है अहंकार का त्याग। अहंकार का त्याग आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर सी सही आंसर होगा। कबीर की भाषा को पंचमील खिचड़ी किसने कहा है, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। पंचमील खिचड़ी किसने कहा है, शुक्ल जी ने, बाबू श्याम सुंदर दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। 82वां क्वेश्चन है, सही आंसर होगा 82 का। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही राइट आंसर है बी यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर बताया, बाबू श्याम सुंदर दास राइट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर आपका 83 यहाँ पर क्या पूछा गया है तो देख लेते हैं। देखिए ये रहा वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, वह ग्रंथ आपके लिए बताना है। भक्तमाल है, कबीर गोरस गोष्ठ है, कबीर परिचय है, कबीर चरित्र बोध है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करते जाएं, सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर लें। और क्वेश्चन नंबर आपका 83 का आंसर बताना है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। आपका सही आंसर है 83 का विकल्प नंबर आपका यहां पर सी, कबीर चरित्र बोध आपका सही आंसर होगा। कबीर चरित्र बोध राइट आंसर है, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। डॉक्टर रसाल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल। कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा है, तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर आपका यहां पर जो राइट आंसर है वह है विकल्प नंबर आपका डी, राइट आंसर है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर होगा। कबीर की भाषा को साधुकड़ी किसने कहा है, शुक्ल जी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है, कबीर जी के साहित्य में वह कौन सा तत्व जिसकी प्रधानता है, रस, छंद, अलंकार या संदेश। क्वेश्चन नंबर 85 है और इसका जो सही आंसर है वह क्या होगा, राइट आंसर बताइए। कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है, तो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 85 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहां पर डी, राइट आंसर है संदेश। संदेश लवली ठाकुर जी, रागनी जी, बिल्कुल सही राइट आंसर है, संदेश आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देख लेते हैं, सभी लोग यहां पर वीडियो को जो है लाइक अवश्य कर लेंगे। संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन कीजिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 86 में। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये तो आपका सत्य है। कबीर यहां पर पूछा है आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है। संत रैदास कबीर के समकालीन थे, ये भी आपका सही है। कबीर के काव्य में प्रतीक योजना सुसंबंधित है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर आपका बी जो है वह आपका असत्य कथन है, सत्य नहीं है। आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, तो ये आपका कथन कैसा है, गलत है, क्योंकि आईने अकबरी में कबीर का उल्लेख है, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर क्या पूछा है देख लेते हैं। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है, तो हिंदी का जो निर्गुण काव्य है ये किस संप्रदाय से प्रभावित है, श्री, ब्रह्म्य, नाथ या सनक। क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 87 है, 87 का आंसर बताना है, तो 87 का राइट आंसर बताइए। तो हिंदी का निर्गुण काव्य ये जो है नाथ संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है, नाथ आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर है, नाथ संप्रदाय, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 88 पूछा है, कबीर के दोहे किस नाम माने जाते हैं, ये तो बताइए, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 88 का क्वेश्चन है। उलटवासी, संवाद, रमेनी या साखी। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर बताइए। तो आपका यहां पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर, जो यहां पर राइट आंसर है वह है क्या है सही आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 88 है,
और 88 का जो सही आंसर होगा वह है आपका सही आंसर। यहाँ पर क्या बताया है, डी राइट आंसर है आपका। 88 का क्या होगा सही आंसर? साखी। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर संत साहित्य का स्वरूप है, संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक काव्य, खंड काव्य, गीति नाट्य, प्रबंध काव्य। क्वेश्चन नंबर 89 है, 89 का आंसर बताना है क्या होगा सही। 89 का राइट आंसर बताइए क्या है इसका सही आंसर। तो 89 का सही आंसर होगा मुक्तक काव्य आपका राइट आंसर। कबीर के गुरु कौन थे, कबीर जी के गुरु आपके लिए बताना है वल्लभाचार्य, रामानंदे, नरहरिदास या विट्ठलनाथ। तो क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का सही आंसर है आपका यहां पर क्या होगा राइट आंसर, तो विकल्प नंबर आपका, हाँ 90 का राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा विकल्प नंबर क्या है सही आंसर, बी यानी कि रामानंद। बिल्कुल सही राइट आंसर होगा रामानंद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि कबीर का दार्शनिक चिंतन है, दार्शनिक चिंतन है एकश्वरवादी, रहस्यवादी, द्वैतवादी, अद्वैतवादी। क्वेश्चन नंबर 91 है कबीर का दार्शनिक चिंतन कैसा है ये आपसे पूछा है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर रहस्यवादी राइट आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर जो बी है वह आपका सही आंसर है रहस्यवादी, रहस्यवादी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 आपसे पूछा है कि रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है, किसने माना है ये आपके लिए बताना है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 92 है और 92 का राइट आंसर आपके लिए बताना है, और आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है बिल्कुल सही आंसर बताया है कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास आपका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, रहस्यवादी संत कवियों में कबीर को सर्वोच्च माना है डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 93 क्या पूछा गया है यहाँ पर, निर्गुण साधक भक्त कवियों में काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख है किसका, ज्ञानदेव, नामदेव, रैदास या फिर कबीर जी का। क्वेश्चन नंबर 93, निर्गुण साधक भक्त कवियों में, भक्ति कवियों में जो काल क्रमानुसार प्रथम उल्लेख है वह है किन का, तो 93 का सही आंसर है ज्ञानदेव जी का, विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक राइट आंसर है बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, सूरति से आशय है, सूरति से क्या आशय है बताइए, उन्माद, विरक्ति, ध्यान या आनंद का अनुभव। तो सूरति से क्या आशा है ये आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर आपका 94 है और इसका जो सही आंसर है तो वह आपका राइट आंसर कि आनंद का अनुभव आपका सही आंसर होगा, आनंद का अनुभव राइट आंसर है कल्पना जी, कॉमेडी गुरु और मीना जी, मोहित जी। तो क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 क्या पूछा है यहाँ पर बताइए कि निरति से आशय क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 95 है और इसका जो सही आंसर होगा वह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर जो निरति से आशय पूछा है, तो सही आंसर है आपका कि
जगत प्रपंच से विरक्ति जो है आपका इसका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर एक सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए कि संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व एक स्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है, किसके निकट है? द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 96 है और 96 का जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर संत कवियों का ब्रह्म या परम तत्व कसुरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है, तो 96 का राइट आंसर होगा अद्वैतवाद, यानी कि विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर है। कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए क्या है राइट आंसर। वीडियो आपका रुक रुक के चल रहा है क्या, आप बताइए कमेंट में। और क्वेश्चन नंबर 97 है, इसका आंसर भी बताइए। आकांक्षा जी, मोहित जी, आस्था जी, तो कबीर के मरने के उपरांत उनकी गद्दी किसने संभाली, दरिया साहेब, सुंदरदास या धर्मदास या कमाल जो कि कबीर के पुत्र थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, राइट आंसर होगा धर्मदास, यानी कि विकल्प नंबर सी यहां पर सही आंसर होगा, धर्मदास राइट आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे, अकबर, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन, सिकंदर लोदी। प्रमोद जी क्वेश्चन नंबर 98 है, 98 का आंसर बताना है और ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, सही आंसर होगा यहाँ पर सिकंदर लोदी राइट आंसर है, यानी कि विकल्प नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, सिकंदर लोदी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है तो देख लेते हैं, कबीर का निधन कहाँ हुआ था, कबीर का निधन आपके लिए बताना है काशी में, प्रयाग में, मगहर में या मथुरा में। कबीर का निधन कहां हुआ, तो यहां पर आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 99 का राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, विकल्प नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही मगहर राइट आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है, मगहर राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है कि कबीर की पत्नी का क्या नाम था, रत्नावली, कमाली। क्वेश्चन नंबर 100 का सही आंसर आपके लिए बताना है, क्या होगा राइट आंसर, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कबीर की पत्नी का नाम आपको बताना है यहाँ पर, जो कि क्वेश्चन नंबर 100 है और आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा सही आंसर, लोई राइट आंसर है, बिल्कुल सही राइट आंसर है, डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या पूछा है देखिए, कबीर परिचय के रचयिता कौन है बताइए, अनंत दास है, नाभा दास है, गोकुलनाथ है, धर्मदास है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 101 है और 101 का सही आंसर बताइए, कबीर परिचय के रचयिता आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। और क्वेश्चन नंबर 101 का सही आंसर होगा, क्या है राइट आंसर, अनंत दास आपका सही आंसर है, अनंत दास आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 2 पूछा गया है, 102, उलटवासी का अर्थ बताइए, उलटवासी का क्या अर्थ होता है, एक प्रकार का काव्य छंद है ये, या किसी बात का उल्टा जवाब देना, विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, या फिर हठ योग साधना की विशेष पद्धति। तो यहाँ पर सही आंसर है उलटवासी का जो सही अर्थ है वह विशिष्ट प्रतीकात्मक काव्य शैली, ये जो है आपका उलटवासी का अर्थ होगा, तो यानी कि विकल्प नंबर
सी आपका सही आंसर है। कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य क्या है बताइए? कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य का चयन करना है आपके लिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? चार विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या होगा सही आंसर? 103वां क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 103 का राइट आंसर है विकल्प नंबर डी, यानी कि काव्य का मर्म समझने के लिए जिज्ञासा पैदा करना कबीर की उलटवासियों का मुख्य उद्देश्य माना जाता है विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा गया है कि जो कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि किसने माना है बताइए? कबीर को बिना महाकाव्य लिखे महाकवि माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक्ल जी ने, रामस्वरूप चतुर्वेदी या रामकुमार वर्मा ने? तो क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर 104 है, 104 का जो सही आंसर होगा वह आपका राइट आंसर यहां पर विकल्प नंबर 104 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी आपका सही आंसर है, हाँ सी राइट आंसर होगा सीता देवी जी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 105 पूछा है, दादू पंत पहले किस नाम से प्रसिद्ध थे? परम ब्रह्म संप्रदाय या फिर अलग संप्रदाय, दादू दयाल निर्गुड़िया संप्रदाय? क्वेश्चन नंबर 105 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है 105 का राइट आंसर है परम ब्रह्म संप्रदाय सही आंसर होगा। दादू पंत पहले किस नाम से प्रसिद्ध थे था जो दादू पंत ये जो था ये परम ब्रह्म संप्रदाय से के नाम से प्रसिद्ध था, तो विकल्प नंबर एक आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 5 का, बिल्कुल सही। धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम बताना है, कौन सा ग्रंथ है? ज्ञान सागर है या अलख वाणी है, सुख निधान है, हरडे वाणी है? क्वेश्चन नंबर 106 का राइट आंसर सभी लोग बताएंगे, धर्मदास का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? राजकुमार जी और कल्पना जी, अच्छा जी बिल्कुल सही राइट आंसर यहां पर जो होगा 106 का वह है सुख निधान। सुख निधान आपका विकल्प नंबर जो बी है वह आपका सही आंसर होगा, सुख निधान राइट आंसर है, बी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 यहां पर क्या पूछा गया है तो देखिए, भक्ति काव्य का मूल कथ्य क्या है ये आपके लिए बताना है, अहंकार त्याग, गुरु महिमा, आडंबरों का विरोध या भक्ति? अनिल जी और क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 107 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भक्ति काल का मूल कथ्य बताना है आपके लिए। सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, यहाँ पर आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 107 का राइट आंसर है डी, यानी कि भक्ति आपका सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 108 पूछा है, संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है? अशिक्षित, कामिनी, पतिव्रता, संपूर्ण नारी जगत की? क्वेश्चन नंबर 108 का सही आंसर बताना है, क्या होगा सही आंसर बताइए? संतों ने नारी के किस रूप की निंदा की है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 108 और इसका जो सही आंसर है वह आपका सही आंसर 108 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, कामनी, कामनी सही आंसर है, कामनी राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है, संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
संत साधना का जो प्रारंभ रूप है ये कहाँ से शुरू हुआ? काशी से, प्रयाग से, उज्जैन से या फिर पंढरपुर से? संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 109 का सही आंसर बताइए। बताना है और आपका सही आंसर है पंढरपुर से। बिल्कुल सही राइट आंसर बताया है, विकल्प नंबर सी। आकांक्षा गुप्ता जी, विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पंढरपुर। मोहित जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लेंगे जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 110 यहाँ पर पूछा है कि सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु हैं अर्जुन देव, अंगद सह, गोविंद सह, नानक देव। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 110 का सही आंसर बताइए। सिख संप्रदाय के प्रवर्तक एवं प्रथम गुरु आपसे पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 में, और 110 का आपका जो सही आंसर है वह है आपका राइट आंसर। बहुत बढ़िया, डी राइट आंसर होगा, नानक देव। नानक देव आपका सही आंसर है। ये जो है सिख संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और प्रथम गुरु हैं कौन? नानक देव जी। बिल्कुल सही राइट आंसर है। नानक दर्शन का सार तत्व है क्या? है इसका सार तत्व बताइए। जपू जी या असा दीवार, सोहिला या रही रास? तो क्वेश्चन नंबर 111 है, नानक दर्शन का सार तत्व तो बताना है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 है और आपका राइट आंसर होगा जपू जी। जपू जी यहाँ पर यानी कि विकल्प नंबर एक जो है वह आपका सही आंसर होगा, जपू जी बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 है। कबीर ने अपने परम तत्व को जो है कबीर अपने परम तत्व को राम कहते हैं, इसी परम तत्व को गुरु नानक ने क्या कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 112 है और आपका सही आंसर है, इन्होंने कहा है सवद। क्या कहा है? सवद आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी सही आंसर है, 112 का बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नानक देव जी के पदों को गुरु ग्रंथ साहब के किस प्रकरण में संकलित किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नानक देव जी के जो पद हैं इनको गुरु ग्रंथ साहिब के किस प्रकरण में संकलित किया है? सोहिला, महला, जपू जी या सबद? आंसर होगा मीराबाई के गुरु का नाम बताइए। इतना सरल क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 114 है। मीराबाई के गुरु कौन थे ये आपके लिए बताना है, और 114 का जो सही आंसर है वह है आपका सही आंसर। 114 का आंसर आपका बिल्कुल सही, यहाँ पर रैदास राइट आंसर होगा। रैदास राइट आंसर है, मीराबाई के गुरु का नाम पूछा गया है यहाँ पर, तो सी राइट आंसर है रैदास। संत रैदास किस किस शिष्य थे? देखिए मीराबाई के गुरु रैदास थे, तो रैदास किस किस शिष्य थे ये आपके लिए बताना है, पीपा जी, सघन या फिर नामदेव या रामानंदे। क्वेश्चन नंबर 114 का सही आंसर, हाँ रैदास या रविदास, इन्हीं को रविदास कहते हैं, रैदास जी को ही। तो यहाँ पर संत रैदास किस किस शिष्य थे ये क्वेश्चन नंबर 115 है और रामानंदे आपका सही आंसर होगा, यानी कि विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। रामानंद के शिष्य रैदास थे और रैदास के शिष्य मीराबाई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? संत कवि नहीं है रहीम, कबीर, रज्जब या मलूकदास?
क्वेश्चन नंबर 116 है जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, 116 वा क्वेश्चन, और इसका सही आंसर है संत कवि नहीं है, तो 116 का सही आंसर होगा रहीम। रहीम बिल्कुल सही आंसर होगा, रहीम राइट आंसर है। विकल्प विकल्प नंबर एक राइट आंसर होगा 116 का। हाँ विकल्प नंबर एक राइट आंसर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, अंगबधु में किसकी रचनाएं संग्रहित है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। बताइए अंगबधु में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं, मलुकदास, मिस्कीनदास, दादूदयाल, यारी साहब। क्वेश्चन नंबर 117 है जो कि महत्वपूर्ण आंसर है कि अंगबधु में जो रचनाएं संग्रहित थी, किनकी रचनाएं संग्रहित थी, वह थी दादूदयाल जी की। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 117 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है कि दादू की रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किया था, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसने किया था, रज्जब और मलुकदास ने, यारी साहब और मुल्ला साहेब ने, या फिर संतदास और जगनदास ने, गरीबदास तथा मिस्कीन दास ने। क्वेश्चन नंबर 18 है और 18 का सही आंसर बता दिया है सभी लोगों ने, बिल्कुल सही आंसर कि दादू की जो रचनाओं का संग्रह हरडेवानी नाम से किया था संतदास और जगनदास ने। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन क्या है तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दादू के उपदेशों से बहुत प्रभावित था, ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए कौन थे वह। क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर बताना है तो कौन से वह शासक थे, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर। तो क्वेश्चन नंबर आपका 119 है, 19 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर आपका एक यानी कि अकबर आपका राइट आंसर होगा, अकबर मीना सिंह जी बिल्कुल सही आंसर है। अकबर सभी लोगों जिन्होंने विकल्प नंबर एक बताया है उनका यहां पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 120 आपसे यहां पर पूछा गया है कि दादूदयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, बताइए, आखिरी क्वेश्चन आज का। दादूदयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध, सरल और बोधगम्य भाषा, निर्भीक अक्कड़ कटु व्यक्तियों की प्रचुरता, आत्मसमर्पण की भावना। इनमें से चयन कीजिएगा आप कौन सा यहाँ पर कौन सी विशेषता है दादूदयाल के साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है, कौन सी मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 120 है और आपका सही आंसर होगा 120 का, जो इनकी साहित्य की सबसे प्रमुख विशेषता है सरल और बोधगम्य भाषा। तो इस प्रकार यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे अपने, तो कंप्लीट हुए, सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और आगे के जो क्वेश्चन है वह कल की क्लास में अपन देखेंगे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, रोज अपनी एक क्लास होती है रात्रि में 10 बजे रोज क्लास होती है इसी चैनल पर, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मीना जी, लवली ठाकुर जी, राहुल राज जी और अनिल जी, आकांक्षा जी, मोहित जी, प्रमोद जी, आस्था जी, रागिनी जी, सुगंधा कुमारी जी और आकांक्षा जी, प्रिया सिंह जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद सैनी जी, आस्था जी, राहुल राज जी, बिल्कुल रागिनी जी, तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
लाइक अवश्य कर लें वीडियो को, सभी लोग जिन्होंने नहीं किया है वीडियो को लाइक, तो एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। लवली ठाकुर जी, मोहित जी, रागनी जी, प्रमोद जी, आस्था जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल राज जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए शुभरात्रि और सभी के लिए जय हिंद।